नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, हमारे देश भर में कोरोना वैक्सीन का इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीनेशन चल रहा है। और सबसे पहले जो वो हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीनेशन किया, अभी जो सेकंड स्टेप जो चल रहा है वो है जितने भी बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र 60 ईयर से अबोव है या 50 ईयर से अबोव है, उन लोगों को अभी कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। ठीक है, ये जो कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है उसका नाम है कोविशील्ड, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको मैन्युफैक्चर किए हैं। और जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको मैन्युफैक्चर किया तो इस कोरोना वैक्सीन में एक लीफलेट आती है, पूरी जानकारी होती है कि कैसे बनाई, किस तरह से, किन लोगों को देना है, किस क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, ये सभी जो इन्फॉर्मेशन उस लीफलेट में लिखा हुआ है। उस लीफलेट में एक और चीज़ लिखी हुई है, कंट्रा इंडिकेशन। कि कंट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि ये जो वैक्सीन है किन लोगों को आपको नहीं लगाना है, उसे हम कहते हैं कंट्रा इंडिकेशन। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि किन व्यक्ति को, किन पेशेंट को कोरोना वैक्सीन नहीं लगाना है। तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कोरोना जो वैक्सीन हैं वो पेशेंट जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है, जिनको किसी तरह की एलर्जी मतलब एनाफाइलेटिक्स कभी उसको शौक आया हुआ है, या वो व्यक्ति जिनको शरीर में कोई भी पेरेंटल कोई भी इंजेक्ट करते हैं, कोई भी मेडिसिन अगर उनको आईवी देते हैं या आईपी देते हैं या कोई भी आईएम देते हैं, तो उनके शरीर में एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है। जब भी कोई भी मेडिसिन खाता है तो शरीर में एलर्जी हो जाती है, बाहर का कोई खाना खाता है तो वो व्यक्ति जिनको किसी तरह की शरीर में एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है, हाइपोसेंसिटिविटी की प्रॉब्लम रहती है, तो उनको कोरोना वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट हैं, जो कि लैक्टेटिंग महिलाएं, गर्भवती जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं जो अपने बच्चों को दूध पिलाने वाली जो माता हैं, उनको भी कोरोना वैक्सीन नहीं लगाना है। वो पेशेंट जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर हैं, ब्लड के रिलेटेड किसी तरह की बीमारी है, जैसे कि उनके शरीर में प्लेटलेट डिसऑर्डर है या कोई भी कोगुलेशन फैक्टर की कमी है, ठीक है, या कोई भी और भी किसी तरह की ब्लड रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो उन व्यक्ति को आपको कोरोना वैक्सीन नहीं लगाना है। ठीक है, बच्चों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगाना है। वो बच्चे जिसकी उम्र है वो 18 ईयर से कम है, 18 साल के कम बच्चों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगाना है। वो व्यक्ति जो ऑलरेडी कोरोना वैक्सीन की डोज ले चुके हैं और वापस वो अगर डोज लेना आए तो उन व्यक्ति को भी कोरोना वैक्सीन नहीं लगाना है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट हैं, जो कि इम्यूनिटी के रिलेटेड उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि वो व्यक्ति जो इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन खा रहे हैं, इम्यूनो मॉड्यूलेटर कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं, ठीक है, या वो व्यक्ति जिनको कैंसर की प्रॉब्लम है और कीमोथेरेपी चल रही है, तो उन व्यक्ति को भी आपको कोरोना वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। वो पेशेंट जो कोरोना पॉजिटिव हैं, उनके शरीर में कोरोना पॉजिटिव के सिम्टम हैं, तो उन व्यक्ति को भी, उन पेशेंट को भी कोरोना वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। तो ये वो लोग थे जिनको आपको भूलकर भी आपको कोरोना वैक्सीन नहीं लगाना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि कोरोना वैक्सीन किन लोगों को नहीं लगाना है उसके बारे में एक बेसिक नॉलेज इस वीडियो में आपको मिली है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।